So welcome back coders in another video, and here we will learn about Python fundamentals. So let's start. Python fundamentals में main important चीज़ जो आती है वो आपकी पहले Python character set होता है. This much be boring but it's needy. करेक्टर सेट में आपके लेटर्स आते हैं, कैपिटल ए टू जेड एंड स्मॉल ए टू जेड. डिजिट्स आती हैं, स्पेशल सिंबल्स जैसे स्पेस हो गया, एंड जो आपके कीबोर्ड में जितने भी स्पेशल सिंबल्स होते हैं वो सारे स्पेशल सिंबल्स के एक सेट में आते हैं. वाइड स्पेसेस होती हैं, जैसे कि ब्लैंक स्पेस जो आप नॉर्मल स्पेस बटन दबा के देते हो, टैब स्पेस जो होती है जो कि चार करेक्टर्स का होता है, एक एंटर जो होता है जो न्यू लाइन पे लेकर आता है आपको, और बाकी जो अदर करेक्टर्स जैसे कि एस्काई करेक्टर्स जो होते हैं उसके बारे में आपको आगे पता चलेगा. तो मेन चीज़ जो है यहाँ पे वो है टोकन्स. तो टोकन्स पांच टाइप के होते हैं मेनली: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स. तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि इनका मतलब क्या है. तो कीवर्ड्स जो होते हैं वो एक बुक्ड, एक तरह से आप कह सकते हो, जो पाइथन की तरफ से बुक्ड होते हैं, मतलब कि उनका एक स्पेशल मीनिंग होता है. सी, कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर. दीज आर रिजर्व्ड फॉर स्पेशल पर्पस एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड एज इनफॉर्मल आइडेंटिफायर नेम्स. मतलब कि आपके कीवर्ड्स जो हैं वो आप अलग तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, वो एक तरह से रिजर्व्ड है. जैसे ट्रेन की सीट रिजर्व्ड होती है ना, तो उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता, उस पर कोई और नहीं बैठ सकता, वैसे ही ये पाइथन की तरफ से ये वर्ड्स रिजर्व्ड है, जिसमें फॉल्स, नन, ट्रू और ये सारे कीवर्ड्स आते हैं. अब आप इसमें एक बात नोटिस करिए कि यहाँ पे सारे लोअर केस में हैं, लेकिन फॉल्स, नन और ट्रू का हमेशा फर्स्ट लेटर अपर केस में होगा. अगर आप इसको लोअर केस में कर दोगे तो वो एक कीवर्ड नहीं होगा, वो एक आइडेंटिफायर या फिर अलग ही तरीके से ट्रीट होगा. तो नेक्स्ट चीज आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम एंड आर यूज्ड एज द जनरल टर्मिनोलॉजी फॉर नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम. वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, फंक्शन, लिस्ट, डिक्शनरीज एक्सेट्रा. तो इसका मतलब जैसे आप कोई भी मैथ्स करी हो आपने या फिर पहले भी करी हो कुछ, तो आपको एक वेरिएबल मिलता है जिसकी वैल्यू आप सेट करते हो, तो वो एक तरीके से आइडेंटिफायर को आप एक वेरिएबल ही बोल सकते हो. जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको अलग अलग वेरिएबल सेट करनी होगी जिसमें आप डेटा कुछ स्टोर करोगे, तो ये आइडेंटिफायर ही कहते हैं उनको. अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. अब पाइथन में आइडेंटिफायर बनाने के कुछ रूल्स होते हैं. तो पहला रूल होता है आइडेंटिफायर इज आर्बिट्रेरी लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट. क्या आप उसमें लेटर्स और डिजिट डाल सकते हो? द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी अ लेटर. पहला करेक्टर जो भी होगा वो लेटर हो, मतलब कि ए टू जेड कोई भी कैपिटल या स्मॉल, या फिर अंडरस्कोर हो. इसमें अंडरस्कोर जो होता है ना आइडेंटिफायर के केस में, वो एक लेटर की तरह काउंट किया जाता है, और अपर लोअर केस जो होगा वो डिफरेंट होगा. मतलब कि पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. जैसे आप अपने पासवर्ड डालते हो, मान लो आपने पासवर्ड डाला कैपिटल एन आई एम आई एस एच, तो अगर आप उसको स्मॉल एन आई एम आई एस एच करोगे तो वो गलत हो जाएगा ना. ऐसे ही केस सेंसिटिव इसी चीज़ को कहते हैं कि आपने जो चीज़ अपर में रखी है वो अपर में ही रहेगी, लोअर में ही रहेगी, वो दोनों अलग अलग तरीके से ट्रीट होंगे. तो डिजिट्स आप यूज़ कर सकते हो 0 से 9, और कोई लिमिट नहीं होती है इसके लेंथ की, आप इनफाइनाइट तक बना सकते हो, जितना लंबा आप चाहो उतना बना सकते हो. और आइडेंटिफायर कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए पाइथन का, और कोई स्पेशल करेक्टर नहीं होगा, केवल अंडरस्कोर होगा और कोई स्पेशल करेक्टर इसमें नहीं होगा. तो आपके पास यहाँ पे वैलिड आइडेंटिफायर मैं बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं. पहला रूल जो है वो आपको देखना है कि लेटर्स और डिजिट्स ही हों उसमें, और यहाँ पे जो अंडरस्कोर होता है वो लेटर की तरह काउंट किया जाता है, लेटर की तरह ट्रीट किया जाता है. और फर्स्ट करेक्टर जो भी होगा या तो वो लेटर होगा या तो फिर वो अंडरस्कोर होगा. अगर आप कोई नंबर डाल देते हो तो वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे देख सकते हो आप एग्जांपल: माय फाइल डेट 9_7_77. ये सारे वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं. इसकी स्टार्टिंग भी
किसी लेटर से या फिर अंडरस्कोर से हो रही है, और इसमें कोई अदर स्पेशल सिंबल भी नहीं है और ना ही इनमें से कोई कीवर्ड है, तो ये सब वैलिड है। यहाँ पे देखिए आप, जैसे यहाँ पे हाइफन आ जाता है तो इस वजह से ये इनवैलिड हो गया, ये नंबर से स्टार्ट हो गया इस वजह से ये इनवैलिड हो गया, ये ब्रेक कीवर्ड आ गया यहाँ पे इस वजह से ये इनवैलिड है, यहाँ पे डॉट आ गया इस वजह से इनवैलिड है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है, लिटरल्स वैल्यूज़। बोरिंग हो रहा है थोड़ा, लेकिन पढ़ना तो है, क्या कर सकते हैं, इसके बिना आप बेसिक नहीं कर पाओगे कुछ। तो लिटरल्स जो होते हैं कि आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर रहे हो, जैसे आप मैथ्स करते हो या फिर कुछ भी फिजिक्स करते हो, तो टी इज इक्वल्स टू जीरो आपको लेना पड़ता है, तो एक टी में एक वैल्यू स्टोर हो गई। इससे ऐसे ही पाइथन में आप जब लिटरल्स जो होंगे वो आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यूज होंगी जो आप किसी आइडेंटिफायर को दे रहे होगे। तो स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं पाइथन में, न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं, बुलियन लिटरल्स होते हैं, स्पेशल लिटरल नन होता है, मतलब नन एक स्पेशल लिटरल है, और ये लिटरल कलेक्शंस इसमें आगे बताता हूँ मैं भी। स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं आपके हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होंगे अंदर, जैसे आपने हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम बनाया था उसमें आपने दो इन्वर्टेड कॉमास लगाए थे, तो प्रिंट स्टेट प्रिंट एक फंक्शन है जिसके अंदर आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया था वो एक स्ट्रिंग लिटरल था। अगर आप कोई भी दो, चाहे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी लिख देते हो तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी, यू कैन टेक नंबर डिजिट और एनीथिंग। तो इसमें स्ट्रिंग लिटरल में आपका इतना ही है, और फिर ये थोड़े एस्काई बेल ये सब है, इसको आप देख लेना, ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। ये बैक स्लैश, सिंगल कोड जो उसमें आप स्ट्रिंग एनकोड करते हो, ये डबल कोड, ये आपके तब काम आएंगे जब आप स्ट्रिंग में कुछ एक फंक्शन करना चाहोगे। मैं इसका एग्जांपल दे दूंगा अभी। तो आपने एनकोड करी स्ट्रिंग डबल लेट यू आर राइटिंग दिस, एंड ये आपकी स्ट्रिंग हो गई एक, तो इट विल रिटर्न एज अ स्ट्रिंग। अब मैं करूँ ए इज इक्वल्स टू, सॉरी ए इज इक्वल्स टू अब ए जो है वो यहाँ पे एक आइडेंटिफायर है, और उसके आगे जो वैल्यू है वो एक लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल है, मतलब कि उसकी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो स्ट्रिंग है। आपको प्रिंट याद होगा तो प्रिंट में मैंने ए, मतलब कि जो मेरे को शो करना है वेरिएबल वो मैं दे दूंगा, तो प्रिंट ए, तो ये शो कर देगा मेरा नाम। ऐसे ही अगर आपको करना है, सॉरी, कुछ भी लिख सकते हो आप, वो सब एज अ स्ट्रिंग ट्रीट हो जाएगा। आप देख सकते हो मेरे को अगर ऐसे करके apostrophe s लगाना है जो आप इंग्लिश में लगाते हो, तो वो मैं इसमें ऐसे नहीं लगा सकता, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा बैक स्लैश, जिससे कि पाइथन को ये पता चल जाए कि आप एक रूल ब्रेक करने जा रहे हो और आप एक एक्सेप्शन में जा रहे हो। सी यू कैन, इस बैक स्लैश का यहाँ पे मीनिंग ये है कि ये बता देगा यूज़र को, पाइथन को, कि यहाँ पे अब आगे इसका मीनिंग इग्नोर करें। तो अब अगर क्या हो कि आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनानी हो, तो जब मल्टी लाइन स्ट्रिंग आपको बनानी है तो आपको ट्रिपल कोट्स का यूज़ करना होगा, जैसे आपको ये एज अ स्ट्रिंग चाहिए तो आपको ट्रिपल कोट्स यूज़ करने होंगे। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे बैक स्लैश एन आ गया। अब पाइथन में बैक स्लैश एन का मीनिंग होता है न्यू लाइन, क्योंकि आपने यहाँ से लाइन चेंज करी तो यहाँ पे एक बैक स्लैश एन आ गया है। अच्छा, हम देखते हैं अगर हम सीधा अपनी मल्टी लाइन स्ट्रिंग ना बना के सिंगल लाइन स्ट्रिंग बनाएं और उसमें अगर उसको कॉपी कर दें, अगर मतलब कि इसको ही कॉपी करके आप
सीधा एग्जीक्यूट करो तो क्या होगा। सेम आउटपुट आ रहा है दोनों से, इसका मतलब यही होता है कि चाहे आप ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, आउटपुट आपका सेम आ रहा है। लेकिन ट्रीट वो एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो रही है और ये एक ट्रीट सिंगल लाइन स्ट्रिंग हो रही है। अब मैंने आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग बता दी है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग बता दी है, तो अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है न्यूमेरिक लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल आपका कंप्लीट। न्यूमेरिक लिटरल में आपने इंटीजर सुना होगा, -1, 0, 1, 2, 3, -2, -3, तो ये सारे इंटीजर्स होते हैं। अब फ्लोट, फ्लोट नंबर्स आपने देखे होंगे, 0.1, 0.2, जिसमें मतलब कि पॉइंट आ जाए वो फ्लोट नंबर्स हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, अगर आपके पास मैथ्स है तो a+ib की फॉर्म में होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ज़्यादा यूज़ नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे, लेकिन एक लिटरल है तो इसको बताना ज़रूरी है। अब यहाँ पे डेसिमल इंटीजर लिटरल, ऑक्टल इंटीजर लिटरल एंड हेक्सा डेसिमल इंटीजर लिटरल्स, ये तीन टाइप होते हैं इंटीजर लिटरल्स के यहाँ पाइथन में, तो इतना कुछ नीड नहीं है इसका आई थिंक। फ्रैक्शनल फॉर्म मतलब कि वही जो आपका फ्लोटिंग जो होता है उसको फ्रैक्शनल फॉर्म भी कहते हैं। अब एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट फॉर्म जैसे आपने पढ़ा होगा 1.2 × 10⁵, तो उसके हिसाब से जैसे 10⁻ को आप यहाँ पे ई लिख सकते हो, जैसे इस वाले एग्जांपल में किया। आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, जैसे 0.58 × 10⁵, तो 0.58 तो वैसे का वैसे ही रहा, अब आपने जो चेंज किया है 10 की जगह ई लिख दिया, और ई के आगे जो उसकी पावर होगी मतलब 10 की जो पावर होगी उसको लिख दिया, तो वो इसकी तरह ट्रीट होगा। ये एक शॉर्ट हैंड है जो आप प्रोग्रामिंग करते टाइम अगर आपको ऐसी वैल्यू कुछ लिखनी है तो आप यूज़ कर सकते हो। बुलियन लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स दो होते हैं, एक फॉल्स होता है और एक ट्रू होता है, जिनका दोनों का फर्स्ट लेटर टी और एफ अपर केस में होगा। अब स्पेशल लिटरल नन, नन का भी पहला लेटर मतलब कि एन अपर केस में होगा। पाइथन के पास एक ही स्पेशल लिटरल है जो नन है। नन तब यूज़ करते हैं जब आपको किसी वैल्यू की एब्सेंस दिखानी हो, मतलब कि जैसे आपने एक वैल्यू 10 ये ले लिया, value 1 = 10, अब आपको वैल्यू 2 एक वेरिएबल तो बनाना है लेकिन अभी आपके पास कुछ है नहीं उसमें रखने के लिए, तो आप वहाँ पे नन डाल सकते हो। जैसे आपने value 1 अब आपने इनपुट दिया तो आपके पास 10 आ गया मतलब कि उसकी वैल्यू, अब जब आप value 2 प्रिंट करा रहे हो तो आपके पास नन आ रहा है। और अगर आप प्रिंट नहीं करा रहे हो डायरेक्ट प्रॉम्प्ट में ऐसे ही दे रहे हो तो आपके पास कुछ नहीं आता, ब्लैंक लाइन आ जाती है सीधा कि मतलब वो खाली है। अब नेक्स्ट वीडियो में होगा ऑपरेटर्स हमारा, तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू।